निशा तो चली गई लेकिन दे गई ढेर सारी यादें, और जाते जाते किस तरह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में से यार दोस्त परिजन पहुंचे तो निशा के आखिरी दर्शन में। और हाँ, वो खूबसूरत सा लाल लिबास, अगर आप सोच रहे हैं तो क्यों, क्योंकि वो उनकी फेवरेट ड्रेस थी। यू तो क्रिसमस और न्यू ईयर की शूटिंग हो रही थी, तभी अचानक से हमें खबर मिली कि एक एक्ट्रेस ने अपने मेकअप रूम में सुसाइड कर लिया। जैसे ही हमने ये खबर सुनी, हम भी काफी शॉक रह गए। पता किया तो ये पता चला कि ये वही एक्ट्रेस थी जिनके साथ हमने कई शूट्स किए थे, जिनके साथ हमने कई स्टोरीज की थी। ये कोई और नहीं बल्कि तनीषा शर्मा थी। हम भी काफ़ी शॉक हो गए। तुरंत हमने फ़ोन मिलाया ऑफिस में और इस बात की इन्फॉर्मेशन दी कि ऐसी एक अनहोनी हो गई है जो शायद ही किसी ने एक्सपेक्ट की थी। जैसे ही इस बारे में हमने बताया, हमें फ़ौरन इंस्ट्रक्शंस मिले कि हमें उस सेट पर जाना चाहिए और इस पूरे मामले पर वाकई में क्या हुआ है इसके बारे में जानना चाहिए। तनीषा शर्मा की मौत ने इस सब को चौंका दिया और उस पर जब ये खबर आई कि उनकी मौत कहीं और नहीं बल्कि उन्हीं के सेट पर हुई। और जैसे ही खबर पक्की हुई, हम भी वहां तुरंत पहुंच गए। नायगांव में स्थित FNB अस्पताल में एक अलग ही माहौल था। जब मैं उनकी मम्मी से मिली, इस बार मानिए मैं उनसे बात ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि हर बार तो हम उनसे अच्छी हंसती खेलती हुई चीज़ों को लेकर बात करते थे कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कौन सी स्टोरीज कर सकते हैं, हम इस पर बात करते थे। लेकिन इस बार मेरे पास कोई शब्द नहीं था उनसे बात करने के लिए। मैं वहाँ पर शांति से बस खड़ी हो गई, क्योंकि मुझे भी नहीं समझ आ रहा था कि मैं आखिर बात करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है। वहाँ पर पुलिस भी पहुँच चुकी थी, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही थी। और तभी ये बताया गया, ये डिक्लेयर किया गया कि तनीषा अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। इसी के बाद कुछ समय बाद वहाँ पर कन्वर पहुँचे, जिनको आप पांड्या स्टोर में शिवा के तौर पर देख रहे हैं। वो तनीषा के काफ़ी अच्छे दोस्त थे और उन्होंने सबसे पहले वहाँ पर आकर उनकी मम्मी का हालचाल लिया। इतना ही नहीं, आपको बता दूँ वहाँ पर शिजान भी मौजूद थे, जो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे, क्योंकि उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करें तो क्या करें। कुछ समय बाद पुलिस ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया, जिसमें उन्होंने बताया कि तनीषा की मम्मी विनीता ने एक कंप्लेंट दर्ज की है कि किस तरह से शिजान के भड़काने पर ही तनीषा ने इस तरह का कदम उठाया है। तनीषा की मम्मी के कंप्लेंट के फौरन बाद शिजान को हिरासत में ले लिया गया। अगले दिन जब हम उनकी बिल्डिंग के नीचे खड़े थे, सभी यही जानना चाहते थे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। तभी हमें ये पता चला कि एक बार फिर तनीषा की मम्मी ने गुहार लगाई है कि उनकी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए और शिजान को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सभी को इस बात का इंतज़ार था कि तनीषा शर्मा को अंतिम विदाई किस दिन दी जाएगी। उनके मामा ने मीडिया से बातचीत की और बताया कि 3 दिन बाद जब उनके करीबी रिश्तेदार लंदन से इंडिया आ जाएंगे, तब उनके पार्थिव शरीर को घर लाया जाएगा और उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। रंग का सूट ही तनीषा को सबसे ज्यादा पसंद था। जी हाँ, ये लाल रंग का सूट जिसे तनीषा ने पहन रखा है, ये सलवार सूट तनीषा का सबसे पसंदीदा सूट था। इसीलिए तनीषा को जब उनकी आखिरी रस्म के लिए तैयार किया गया, तब देखिए लाल रंग के सूट में किस तरह से उसे तैयार किया गया। हमेशा हंसने वाली तनीषा आज देखिए कितने लोगों को रुला गई है।
अपनी बेटी को अर्थी पर यूं सजा देख उसकी माँ का तो कलेजा ही फट गया। हितु निशा की माँ बर्दाश्त ही नहीं कर पाई अपनी इकलौती बेटी को हिचिता पर लेटे देखे। निशा को चाहने वाले यहाँ पर आज मौजूद थे रीम शेख, अवनीत कौर, शिविन नारंग, सुमेध मुदगलकर, मलिका सिंह, विशाल जेठवा, अश्नूर कौर, उनके बेस्ट फ्रेंड कन्वर ढिल्लो, शैंतनी घोष, ये सब पहुँचे थे तुनिशा को श्रद्धांजलि देने के लिए। और आपको दिखा दे कि यहाँ पर सिजैन की बहन फलक नाज और उनकी माँ भी पहुँची थी। अब दर्द में तो वो भी डूबे हुए हैं। ये वो घड़ी थी जहाँ कोई भी तुनिशा को अलविदा नहीं कहना चाहता था। हम भी वहाँ खड़े थे और जितने भी उनके करीबी दोस्त थे, फिर वो कन्वर धिलन हो या फिर सिद्धार्थ निगम या फिर उनकी बेस्ट फ्रेंड अवनीत कौर या फिर रीम समीर शेख, सभी उन्हें अलविदा कहने के लिए पहुँचे थे। आलम ऐसा था कि शमशान भूमि में अपने आप को फलक नाज और शिजान की मम्मी नहीं रोक पाए वहाँ पहुँचने थे। वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थे, वो भी अपने दुख को बयां कर रहे थे। ऐसी स्थिति थी कि तुनिशा की मम्मी बार बार वहाँ पर गिर जा रही थी और लोग उन्हें संभाल रहे थे। ये वाकई में देखना आसान नहीं था। किसने सोचा था कि तुनिशा इतनी कम उम्र में सबका साथ छोड़ जाएंगी। 4 जनवरी को तुनिशा का जन्मदिन होता है, वो दिन जब तुनिशा ने इस दुनिया में कदम रखा था। अब इस बार जब 4 जनवरी आएगा, तब सोचिए एक माँ के दिल पर क्या बीतेगी अपनी बेटी को याद करके। वैसे जाते जाते आपको बता दें कि 5 तारीख को तुनिशा के जन्मदिन के एक दिन बाद चंडीगढ़ में उनकी शोक सभा रखी गई है। ये सब कुछ कवर करना बिल्कुल आसान नहीं था। हमने भी दिल पर पत्थर रख के आप तक सारी चीजों को पहुंचाया। SBS की पूरी टीम की तरफ से तुनिशा शर्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि। मुंबई से स्नेहल यादव के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।